हमारा आगे पीछे किए है। सरकार के सबके देखे चाहिए। बताइए चार को बच्चे लेके कहाँ जाएंगे और उसे भी घर गिरवाने के कह रहे हैं सरकार, वो भी बताइए। हथियार घर में कोई था क्या? बस हमारे पति के नाम से बस हम लोग खुद निकाल के वो राइफल दिए, घर पे मौजूद था राइफल। किसको दिए? पुलिस वाले को। तो राइफल लेके आपका ड्राइवर कैसे वहाँ चला गया? वो ड्राइवर हमारा राइफल नहीं लेके गए। हाँ, ड्राइवर हमारा फंसावल गए बा। ससुर जाते अपन बेटा के ऊपर गिर गई नहीं और के हत्या कर दिया। जीजा है उसका बहन वही उन्हीं लोग के मारा है जमीन खाती इंजाम लगा दी। हाथ है इसमें। बड़ा लड़का तो ये कह रहा है ना कि वो तो देवरिया गया हुआ था, पूजा पाठ कराता था। अच्छा आप ही बताइए 6 बजे कौन पितरपक्ष में पूजा करेगा 6 बजे? आप लोग को ये सब किसने बताया कि वो घर पे था उसने मारा है? ये जानकारी कहाँ से? गाँव के लोग बता रहे हैं। जो उनका घर था वो बिल्कुल गांव के बाहर था, अगल बगल किसी का घर नहीं था, तो वहाँ भी तो कोई देखने वाला था नहीं। या तो आपके पिताजी थे और या तो फिर उनके घर के लोग। वो बना रहा है वैसे भी तो पकड़िए ना आप। और अभी तो ये भी आरोप लग रहा है ना कि ये मकान भी कब्जे की जमीन पर है। किसके नाम पे है मकान? मेरी सास के नाम से। हम लाग लाग लगा के बच्चन को फिर लेकर हम साथ मर जाएंगे, कातिल बाहर घूमने जाता है। देवरिया मामले में कुल 6 लोगों की हत्या हुई और पहली हत्या हुई थी प्रेमचंद्र यादव की। और प्रेमचंद्र यादव की हत्या के बाद उनके समर्थक और उनके जानने वाले पहुंचे दुबे परिवार में और वहां पर 5 लोगों की हत्या हुई। मैं इस वक्त जिस मकान में मौजूद हूं ये मकान प्रेमचंद्र यादव का है और इस मकान में सरकार ने पैमाइश कराई है ज़मीन की कि ये ज़मीन क्या कब्जे की है या फिर प्रेमचंद्र यादव के पिता के नाम पर है। इसकी पैमाइश चल रही है, बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। और इस बीच में प्रेमचंद्र यादव की पत्नी मेरे साथ हैं, इनसे समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। मैम एक चीज़ समझना चाहेंगे, 2014 से ये पूरा विवाद चल रहा है। विवाद है क्या? आपको क्या पता है? इस समय कुछ विवाद नहीं, सब फाइनल है मेरा मकान, सब बैनामा है। क्या चीज़? सब जमीन खेत बाड़ी सब बैनामा है मेरा। नहीं, जो सत्य प्रकाश दुबे से आप लोगों ने ज़मीन खरीदी थी वो ज़मीन कितनी थी? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता है कितना है। तो ज़मीन तो 2014 में ली थी, उसके बाद किस तरह का झगड़ा था? कोई झगड़ा था ही नहीं, वही झगड़ा करती थी हमेशा। हाँ, हमने तो झगड़े नहीं करते थे। तब खेत कटाया जाता तभी झगड़ा वो करती है, वो नहीं करती है। तब खेत कटाया जाए तभी झगड़ा करे, लूँगा ना करवे करे। हाँ, तो आपके पिताजी ने वो ज़मीन खरीदी थी। हाँ। सत्य प्रकाश दुबे के भाई से कितने 2014 में। उसके बाद विवाद किस बात पे होता था? ऐसे ही उन खेत और जब कटता है तो उनकी भाभी जो है ज्ञान प्रकाश दुबे की भाभी हैं, तो वो कलेश करती थी उस पर। कंबाइन के आगे सामने आके खड़ी हो जाती थी, कभी फसल में आग लगा देती थी। तो कितनी बार इस तरह से विवाद आप दोनों के परिवारों में हुआ? नहीं, हमेशा जब खेत कटता है ना तभी होता है और फिर शांत हो जाती हैं उसके बाद। और उस दिन पापा के पास कॉल आया, पापा अचानक से गए वहाँ और उसका बड़ा लड़का जो है वही बाइक लेके चला गया अपने घर पे। और बाइक पापा लेने गए और वो पीछे से वार किया, वो वहाँ मौजूद था, वो कहीं गया नहीं था। वो ताला लगा के अपने घर पे फिर भागा वहाँ से। 2 अक्टूबर को कितने बजे फ़ोन आया था? सुबह 6 बजे। 6 बजे घर से निकलल बने, आजाद कहीं हत्या हो गई। हाँ, तो फोन गुंडा बुलौले रही है। आप थी साथ में? हाँ, हम घरे रहनी है। तो आपको बताया कि कहाँ जा रहे हैं? नहीं, हमको बताओ नहीं। नहीं, क्या बोले? किसी से कुछ नहीं बोले, बस कॉल आया, मम्मी से चाय मांगे, मम्मी चाय लेके आ ही रही थी, वो बाइक लेके चले गए। अच्छा, तो फिर किसने बताया कि उन लोग का फोन आया? गाँव वाला बताया, गाँव के लोग फोन किए इधर। नहीं, फोन आया था, दुबे जी का फोन आया था, उन्होंने बुला लिया। ये सब किसने आपको बताया? अब सरकार ने नहीं पता कि कॉल किसका आया था। हाँ, बस कॉल आई थी पापा के फ़ोन पे और वो जल्दी में निकले। बे फोन उबे को तो जाते ना रहने को, तो फोन ना ये तब ले। हाँ, घर से जेबे नहीं करो, रात चाहे बिरात कबो नहीं जाए। डॉगी है, उसको लेके जाते हैं हमेशा टहलाने सुबह इधर ही तालाब निकल को तो जेबे नहीं। उस दिन अचानक बस कॉल आया और बाइक लेके तुरंत निकल गए। आप लोगों को कब पता चला? भाई 7 बजे तक सबको पता चल गया, उधर भी कांड हो चुका था। तब मेरे अंकल देवरिया थे, हम सब लोग देवरिया ही रहते हैं। हाँ, मेरे अंकल भी वहाँ देवरिया थे उस वक्त और उनके पास भी कॉल आया कि भैया के साथ ऐसा हुआ है, तब हम लोग सब लोग देवरिया से घर आए। तो आपके घर में जो लोग थे वो भी भाग के वहाँ गए होंगे, आप लोग को कब पता? ससुर थे, बस मेरे दादा जी थे, खाली ससुर के हम ही भेजले बानी। ससुर हमारे गइल बानी, फोन आयल बा तो हम ही भेजले बानी, तू हो गइल बानी। हाँ, ससुर जाते अपन बेटा के ऊपर गिर गई नहीं और के हत्या कर दिया। आँ गाँव वाला तो केहू सुन दौड़ के जेबे करी देखी ना गाँव वाला जाई मार करे गाँव वाला जाई आँ। अभी पुलिस ने उनका जीजा है उसका बनोई उहे उन लोन के मारा है जमीन खाती जमीन के लालच खाती कि पूरा परिवार का साफ कर दी इनके ऊपर इल्जाम लगा दी है। हाथ है इसमें और उसके पहले से ही वो नेता विधायक के साथ संपर्क में रहे हैं लोग। बड़ा लड़का तो ये कह रहा है ना कि वो तो देवरिया गया हुआ था पूजा पाठ कराता था। आप ही बताइए 6 बजे कौन पितरपक्ष में पूजा करेगा 6 बजे? 6 बजे भी सब लोग उठ के लैट्रिन बाथरूम नहाए धोएंगे। 6 बजे आप ही बताइए कौन पितरपक्ष पूजा करे? कठो भी कहे होगा 9-10 बजे 7-8 बजे। 6 बजे आप ही बताइए 6 बजे सब लोग बिछौना सुतल है ना 6 बजे कब कट्ठा हो गया? वो कह रहा है ना कि हम तो बलिया जा रहे थे पूजा कराने। अब बलिया गए बलिया से फिर वहाँ भी आपस आ गया बयान देने के लिए। आप ही बताइए इतना जल्दी बलिया साई जीवो हाँ। अच्छा ये आपका जो ड्राइवर था उसको पुलिस ने पकड़ा है और हथियार भी उसके पास मिला है। हथियार घर में कोई था क्या? बस हमारे पति के नाम से बस हम लोग खुद निकाल के वो राइफल दिए घर पे मौजूद था राइफल। किसको दिए? पुलिस वाले को। अच्छा हाँ। और वो राइफल लेके आपका ड्राइवर कैसे वहाँ चला गया? वो ड्राइवर हमारा राइफल नहीं लेके गए हाँ ड्राइवर हमारा फंसावल गए बा हाँ। आमियो ने राइफल के ले गई मेरे पापा की लाइसेंस भी लेके गई राइफल की और राइफल भी साथ में हम लोग दिए। अच्छा आप लोगों ने हैंडओवर हाँ, 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 दे दिए वो कहीं झाड़ी वाड़ी में नहीं छुपाया गया था हाँ। हम लोग खुद ही दिए राइफल। तो ड्राइवर तो अरेस्ट हो गया। ड्राइवर उस दिन कहाँ था? घर पर अपने घर थे। वो घर कहाँ उसका? उधर वही है पुराने वाले घर के पास ही है। अच्छा उस तरफ। तो उस दिन फिर आप लोग को क्या पता चला? मतलब ये तो घर से सुबह निकल गए फिर अचानक खबर आई होगी कि ऐसे ऐसे घटना हो गई। गांव के कौन कौन से लोग आप लोग को क्या क्या कुछ बताए? कुछ बताएंगे गांव को लिए नहीं लोग बताए गांव को जो गया था वहां देखने उनको सब लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है। कोई कुछ खबर नहीं दिया कि वहाँ कैसे क्या हुआ है कोई भी कुछ नहीं बताया और गाँव के कोई आदमी यहाँ है नहीं सब लोग जेल में बंद है। आपके घर से कौन कौन है? मेरे घर पे मेरे अंकल और मेरे दादाजी और पुराने वाले घर पे सारे लोग चले गए हैं छोटे बच्चे तक चले गए हैं। और अभी तो ये भी आरोप लग रहा है ना कि ये मकान भी कब्जे की जमीन पर है। किसके नाम पे है ये मकान? मेरी सास के नाम से है। 2002 से है बना हुआ है उससे पहले भी जमीन मतलब है पहले का ही बना हुआ। तो एक बात है ये कहा जा रहा है कि ये सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पे कब्जा करके बना है इस तरह का आरोप लग रहा है। ना सरकारी जमीन नहीं है हमारे सास के नाम से बा हाँ। आज कहाँ सरकार रहा हमारे पति के मुँह सब सरकार कनवाई कर शुरू कर दिया सरकारी जो अलग हर चीज। ये जमीन आपके किसके? हमारे अम्मा के दादी जी के नाम का है हाँ, हाँ। उसके पेपर्स वगैरह हैं हाँ, मेरे अंकल ही जानते हैं वो सब। अच्छा और वो जेल में हाँ। तो अभी कौन कौन आया आपके घर पे मिलने के लिए? कौन कौन कोई अधिकारी आप लोग के यहाँ आए? नेताओं के भी लाइन लगा हुआ है और ये मामला बड़ा तूल पकड़ लिया। इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग किस तरह से कि मतलब जाति की लड़ाई बना दी गई है इसको? वही लोग तो हाँ? बनाया ना जाति की तो लोग बात ही वही लोग बनाया। पहले जातिवादी वो लोग किए हाँ वो देख रहे हैं अपना जाति तो समाजवादी पार्टी भी देख रही है फिर अपना जाति। सरकार देखिए सबके देखना चाहिए ना क्या वो हमारो भी ना उजर गया है हमें नहीं देख रही है हम पीड़ित में नहीं है हाँ हमने तो अपना पूरा दुनिया खो दिया है हमारा तो भविष्य अंधकार में दिख रहा है। देखिए गलती तो दोनों तरफ से हुई है। आगे की गलती कर ले वापी बताइए। नहीं मैं मान रहा हूँ किसी ने भी पहल की जो भी किया दोनों पक्षों से गलती हुई ये तो मान रहे हैं ना आप। पापा का कातिल बाहर है उसको अगर वो अंदर नहीं हुआ ना तो बहुत पता नहीं वो क्या क्या बोला जा रहा है। बच्चन के आगे लगा के हम जड़ जाए बस हम आगे लगा के बच्चन के फिर लेके हम साथ मर जाएंगे कातिल बाहर घूमेगा तो हाँ वही मारा है पापा को। आप लोग को ये सब किसने बताया कि वो घर पे था उसने मारा है? ये जानकारी कहाँ से? गांव के लोग ही बता रहा है क्योंकि जो उनका घर था वो बिल्कुल गांव के बाहर था अगल बगल किसी का घर नहीं था तो वहाँ भी तो कोई देखने वाला था नहीं। या तो आपके पिताजी थे और या तो फिर उनके घर के लोग। बातें वो बना रहा है वैसे भी तो पकड़िए ना आप वो क्या क्या बोल रहा है। 9 दिन हो गया 9 दिन में वो 9 बात बोला है इस पर आप लोग थोड़ा नोटिस करिए। अच्छा, मैं समझना ये चाह रहा हूँ ना कि दोनों तरफ से राजनीति यादव बनाम ब्राह्मण की जा रही है। ठीक हो गया राजनीति, ये बोल नहीं जा रहा है, मेरे तो हम शक्ति नहीं है बोले क्या। कुछ योगी जी से कहेंगे और सबके अन्याय दे जोगी जी, और क्या देंगे, दोनों ओर से अन्याय दी लाइए सरकार वहाँ तो दोनों ओर से देखिए। ये पीड़ित में हमें भी देखा जाए, हमारा आगे पीछे के है सरकार के सबके देखे चाहिए। इस हालत में हम कहाँ जाएँ कि हमारा दुख समझे बुझेगा, अभी बताइए। तो सरकार ने दुख बुझे समझे समय में, तो सरकार हमारा दुख समझते बुझते नहीं, बताइए हम चार चार को बच्चा लेके कहाँ जाएंगे, और उसे भी घर गिरवाने के कह रहे हैं सरकार, वो भी बताइए। तो ये पीड़ा है, और इनके पति इनके पिता की हत्या हुई और उस हत्या का नतीजा ये हुआ कि 5 और लोग की हत्या हुई। तो किसी भी तरह की हत्या को जायज़ तो नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन देवरिया का ये जो मामला है इसमें 2 परिवारों के विवाद की वजह से दोनों परिवारों ने अपने अपने सदस्यों को खोया, और हालात ये है कि राजनीति अपने चरम पर है, नेताओं का दौरा लग रहा है, ज़मीनों को लेकर के जो विवाद था उस विवाद के बाद अब पैमाइश हो रही है, मकान सरकारी ज़मीन पर है या इस परिवार के लोगों की, इसकी शनाख्त हो रही है। 15 अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं, 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में, और फिलहाल जो यादव परिवार है वो सरकार से गुहार लगा रहा है कि सरकार दोनों पक्षों के साथ न्याय करे, क्योंकि अन्याय दोनों पक्षों के साथ हुआ है। उम्मीद है कि जो भी सही होगा सरकार वही करेगी, और इस उम्मीद में ये यादव परिवार फ़िलहाल इस बात को लेकर दुखी है कि इनके परिवार का मुखिया अब इस दुनिया में नहीं है और फ़िलहाल राजनीति जारी है। मैं और प्रशांत देवरिया में ग्राउंड पे आपको इस पूरे घटनाक्रम की एक एक जानकारी देते रहेंगे। देखते रहिए द लल्लनटॉप।